पीएम मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं, ऐसे में वो 12 मार्च यानी रविवार को बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करके देश को एक और सौगात देने वाले हैं। जी हाँ, पीएम बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज करेंगे। 10 लेन वाले 118 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह बेंगलुरु और मैसूरु के बीच यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर देगी। इस दौरान पीएम मोदी कर्नाटक में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और पीएम मोदी पहले भी इस शिलान्यास को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कह चुके हैं। अब जानते हैं कि आखिर क्या है उनके लिए बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे का महत्व। दरअसल बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना है। यह कर्नाटक के विकास पथ को नया आयाम देगी। यह क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। साथ ही बीते दिनों पीएम मोदी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक ट्वीट को टैग करके कहा था कि बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे NH 275 का एक हिस्सा है। इसके तहत 4 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े और 40 छोटे पुलों और 89 अंडरपास और ओवरपास का निर्माण किया गया है। और पीएम का बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे बनवाने का उद्देश्य आज ही से नहीं है, बल्कि फरवरी साल 2019 में ही उन्होंने इस संस्थान की नींव रख दी थी, लेकिन उस दौरान उसे कुछ आर्थिक संकट के कारण आगे नहीं ले जाया जा सका।